ये देखिए हमारे नवयुवक मंडल ब्लॉक पुजाई के लड़के पौधारोपण करते हुए, ये देखिए हमारे निहाल जी यहाँ मैसी वहां पे भी है तेरे पैर के पास, छोटा चाहे बड़ा भी में बहुत अच्छा काम करते हुए, सराहनीय काम है ये शारुल भाई हमारे, देखिए स्पेशल नाम है भाई शारुल भाई है, ये देखिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चुटके वाली क्रेट ले चल ऊपर, ये वाली ले चल, में ये वाली। निहाल जी आप जरा थोड़ा साइड होंगे, ये हमारे वनों को बचाने की और छोटी सी कोशिश, पेड़ लगाए जा रहे हैं। ये हमारे धीरज भाई, ये आयुष जी है, देखिए इनको बुखार बहुत ज्यादा है फिर भी देखिए ऐसी बारिश में ये पेड़ लगा रहे हैं, जमकर खुदाई कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। ये हमारे चुटकू जी, आपको औरों से भी मिलाते हैं, हाँ जी हाँ जी, ये हमारे नवयुवक मंडल के लड़के पीयूष जी, हाँ नीचे से पवन जी आवाज मारते हुए, आपके पास भी आया जाएगा, रमन हम सर 10 सालों से सोच रहे थे पौधारोपण करने का, आज वक्त मिला है, हमें मौका मिला है ऐसा काम करने के लिए। ये हमारे प्रवेश भाई वन काम कर रहे हैं और जल ही जीवन है, देखिए प्रवेश जी कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में, काम करो और क्या, अरे कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में यार, बिल्कुल सर क्यों नहीं बोलना चाहेंगे, अभी ये थोड़ा सांस चढ़ी है इनके ऊपर को, बहुत अच्छा काम, सराहनीय काम। अब हम आपको एक रमन जी को भी दिखाते हैं, वो भी अभी काम कर रहे हैं कि जन पर्यावरण को बचाए, सभी लोग जंगल ना काटे, जंगल बिल्कुल ना काटे, नुकसान ना करे, अपना ही नुकसान हो रहा है इसमें। ये हमारे रमन भाई, क्या रमन भाई कुछ बोलना चाहेंगे, बहुत कुछ ही बोलिए, कुछ तो बोलो, पहले मनोज भाई से बोल लगाइए उसके बाद में बोलूं, अपने जैसे बनने के लिए तो बोलो, बोलिए बोलिए, बोलना तुम्हें इसे बोलो, अभी मूड में नहीं है। ये हमारे मनोज डेंगटा जी, जंगल है तो जान है, कोरोना की महामारी है, कोरोना ने तो बहुत ज्यादा इस समय को हमारे नवयुवक मंडल लोग के सदस्य जंगल में पेड़ पौधे लगाकर व्यतीत कर रहे हैं, मुश्किल समय है देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत ही मुश्किल समय है, इस घड़ी में हम पर्यावरण को हरा भरा करेंगे ताकि भविष्य में इस तरह की बीमारियों से, हमारा जो टारगेट है इस साल का 10,000 पौधे का है, ये पीयूष जी कुछ कहेंगे आगे, 10,000 पौधा इस बार हमने लगाना है ये अपने एक हफ्ते के अंदर, जंगल को बचाएंगे, तो हम चाहते हैं कि अपना पर्यावरण सुरक्षित रखे और दूसरों से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो पर्यावरण को सुरक्षित रखे। ओके थैंक यू।